नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, ये जो दो राज्यों में तो अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही हो चुकी है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दो और राज्य बहुत जल्दी चुनाव मैदान में जाने वाले हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। और इन दोनों राज्यों में भी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अपने अब चरम पर दिखनी शुरू हो गई हैं। बैठकों के दौर चल रहे हैं, असंतुष्टों का पर पार्टी में दूसरी पार्टियों में गमन दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर इसलिए अहम है, 10 साल बाद वहाँ चुनाव हो रहे हैं और आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त को जो स्पेशल स्टेटस था उसको समाप्त कर दिया था मोदी सरकार ने। और हरियाणा छोटा सूबा है, लेकिन हरियाणा का एक दो को छोड़ करके ये अपवाद है, जो एक दो बार की मैं बात कर रहा हूं, कि वहां पर जो केंद्र में सरकार रही हैं उन्हीं की राज्य में भी सरकारें बनती आई हैं। वैसे तो अभी तक का इतिहास ये है कि निरंतरता में दो बार ही वहां सरकारें बनी हैं, एक बार भूपेंद्र हुड्डा की और एक बार मनोहर लाल खट्टर की। तीसरी बार तो निरंतरता में वहां किसी की सरकार बनी नहीं है। इस बार हरियाणा में क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे संक्षेप में, पर फोकस करेंगे हम जम्मू कश्मीर पर, महाराष्ट्र पर, आने वाले झारखंड और आपके दिल्ली के चुनाव पर। इसके अलावा हम ओवरऑल इसका क्या मैसेज जाएगा, जो नतीजे आने वाले हैं, इसका कोई भारत की राजनीति पर, मोदी सरकार पर इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, और राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसका केंद्र पर किस तरीके से असर होता है या नहीं होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके चिर परिचित लेखक चिंतक मनीषी भाव तोरसेकर साहब। भाव, बहुत स्वागत, नमस्कार। भाव, अभी एक इंडिया टुडे में सर्वे आया है और इसकी पहले पेज की जो हेडलाइन है वो ये है, मोदी की बढ़त बरकरार, राहुल का उभार। और अंदर जहां ये स्टोरी शुरू होती है वहां लिखा है, मोदी का असर बरकरार, राहुल की पकड़ मजबूत। अब इंडिया टुडे हर छठे महीने राहुल गांधी पर एक कवर स्टोरी जो है वो निकालता रहा है, पिछले 10-15 साल में हम सब परिचित हैं। सबसे पहली टिप्पणी तो मैं आपकी यही चाहूंगा साहब, ये जो राहुल गांधी को बार बार मजबूत दिखाया जाता है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला हुआ है या राज्य विधानसभा चुनाव में भी जहां जहां इन दोनों पार्टियों की आपस में टक्कर होती है, वहां तो हमने देखा है कि कांग्रेस पस्त हो जाती है। जहां जहां ये सहयोगी दलों के कंधों पर सवार रहते हैं वहां थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इन्होंने कर लिया है, उत्तर प्रदेश या कुछ दूसरे राज्यों का उदाहरण हम दे सकते हैं। लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट करना कि मोदी तो कमजोर हो गए हैं, यानी तीसरी बार जो आदमी प्रधानमंत्री बन गया है, 240 सीटें आई हैं 10 साल के शासन के बाद भी, और 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस की केवल 44 सीटें रह गई थी, उन मोदी को तो कमजोर बताया जा रहा है और राहुल गांधी को मजबूत बताया जा रहा है। तो ये तो एक बात हमको मीडिया की समझनी चाहिए, इकोसिस्टम का ये मीडिया है जिसको 70 साल से कांग्रेस ने पाला पोसा है, इनको बड़े बनाए छोटे बनाए जो कुछ है, तो ये इकोसिस्टम है, उसको वो कांग्रेस की मदद से ही पनपा हुआ मीडिया है, तो ये डरता रहता है कि, और मोदी इनसे पंगा लेते रहते, तो इनको डर रहता है कि अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, वो जो पैरासाइट होता है, अगर इंसान नहीं रहेगा, जानवर नहीं रहेंगे तो पैरासाइट जिंदा कैसा रहेगा, मर जाएगा, मच्छर हो, खटमल हो, पेड़ पर चढ़ने वाले पैरासाइट हो, वो कैसे जीते, वो खुद का खाना खुद बनाते ही नहीं, और दूसरों का खाना दूसरों का खून चूस कर जीते। तो आपका जो मीडिया है, मैं कल परसों की बात है,
मैंने एक पुराना 40 साल पुराना वीडियो देखा, यानी वो वीडियो उस वक्त बनाते नहीं थे, वो इंटरव्यू था एक चैनल के लिए, अमेरिका के जो पूर्व अध्यक्ष थे रिचर्ड निक्सन, जिनको दूसरी टर्म में आधी टर्म छोड़कर रिजाइन होना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो उन्होंने दिल खोलकर बोला था, पूरा अमेरिका नहीं दुनिया भर का मीडिया उनके पीछे पड़ा था और उनको रिजाइन करना पड़ा था। वाटरगेट मामला हुआ था, आज भी वो वाटरगेट का इस्तेमाल और कुछ क्या बोलते हैं, टेलीफोन गेट बोलते हैं, 2G गेट बोलते हैं, कोयला गेट बोलते हैं, आपको मालूम है। तो गेट शब्द वहां से आ गया। तो उन्होंने उसमें बताया था कि दुनिया समझती है कि अमेरिका का अध्यक्ष बहुत ताकतवान होता है, बहुत शक्तिमान स्ट्रांग होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है ऐसा माना जाता है। अमेरिकन कांग्रेस के पास अनलिमिटेड पावर है, अमेरिकन क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है ऐसा माना जाता है, लेकिन असलियत ऐसी है नहीं। अगर इस देश में और दुनिया में, यानी अमेरिका में उन्होंने बोला था, अगर अनलिमिटेड पावर किसके पास है, वो झूठ को भी सच बना सकती है, तो वो मीडिया के पास है। ये सबसे स्ट्रांग है, ये सरकार बनाती है, बिगाड़ती है, मोड़ तोड़ भी देती है। तो वो स्टेज अब हमारे यहाँ आ गई। 40 साल के बाद हम जब बोलते हैं कि हम प्रगत हो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, तो ये विकसित होने के साथ साथ वो बीमारियां भी आ जाती है। तो ये जो आज हम देख रहे हैं, हम कांग्रेस बीजेपी वगैरह बोलते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। इनसे भी पावरफुल कौन है, तो मीडिया है। ये झूठ को साबित कर देता है। तो इसलिए ये नैरेटिव बनाया जाता है, लोगों को कहानियां बताई जाती है। मनोरंजन फिल्म देखिए आप कई सेमिनार देखिए, हर जगह से एक नैरेटिव आगे लाया जाता है। तो ये भी ऐसा ही नैरेटिव है, राहुल गांधी को हमको फिर से लॉन्च करना है तो करो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात होती है, नैरेटिव कुछ समय के लिए चलता है। ऑर्कुट नाम की वेबसाइट थी, आपको याद होगा, सोशल मीडिया आप बोलते हो, तो सोशल मीडिया ऑर्कुट से शुरू हो गया। आज ऑर्कुट का नाम भी किसको याद नहीं, आज की पीढ़ी जो है, शायद 15 साल पहले की बात है, ऑर्कुट जोर शोर से चल रहा था, फिर उसकी जगह फेसबुक ने ले ली। फेसबुक के बाद क्या बोलते हैं, ट्विटर, ये वो आते गए, तो उस समय का है। तो इसलिए ये मैं मानता हूं कि ये परमानेंट चीज नहीं है। जिस ढंग से वो अब राहुल मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है और फिर भी राहुल गांधी का उभार है बोल रहे हो आप, तो उसका मतलब भी समझाना जरूरी होता है। ये मतलब ये है कि राहुल गांधी बाकी जो छोटी मोटी रीजनल पार्टियां वगैरह है, क्षेत्रीय पार्टियां है, उनको खाकर जी रहे। यानी आज की कांग्रेस ये एक तरीके से पैरासाइट बन गई है, वो दूसरों को खाकर जिंदा रहती है। अब देखिए आपके यूपी में देखो, मायावती तो सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन वो वोटर कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया। अखिलेश, मैं मानता हूं कि अखिलेश डरा हुआ है, कल परसों किसी बात पर अखिलेश ने मायावती की सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो डर रहा है कि शायद मेरा भी वोट शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस के पास। मायावती और कांग्रेस दोनों कांग्रेस का वोट खाकर बड़े हो गए थे, और अपोजिशन का जो स्पेस था वो पूरा का पूरा बीजेपी ने ले लिया था। अभी बीजेपी का जो स्पेस है वो कंटिन्यू हो रहा है, और जो कांग्रेस को खाकर बड़े हुए थे वो मार खा रहे। तो इसलिए राहुल का उभार जिसको बोल रहे हैं, वो मतलब राहुल का उधार बोल सकते हो। ये राहुल का दूसरों से लिया हुआ उधार है, वो उनका नहीं है। भाव, अभी एक बांग्लादेशी पत्रकार ने यह रहस्य उद्घाटन किया था कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है 5 अगस्त को, शेख हसीना को बाद में भारत में शरण लेनी पड़ी आकर के इस्तीफा देकर के, उन्होंने कहा कि लंदन में साहब एक रहस्यमय मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई, खालिदा जिया के बेटे, जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान के साथ, और राहुल गांधी उसमें मौजूद थे। राहुल गांधी को इतना ताकतवर बताया जा रहा है कि
वो षड्यंत्रों में शामिल हैं, पड़ोसी देशों की सरकारें उलटने के लिए हरी झंडी दे रहे हैं। कल रात मैं आरएसएन सिंह का इंटरव्यू देख रहा था संजय दीक्षित के साथ, उनका कहना ये था कि ये लोग श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह भारत में भी अराजकता की स्थिति पैदा करके तख्ता पलट करना चाहते हैं, ये 2029 के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। आपका क्या आकलन है भाव? नहीं नहीं, ये कोशिश तो हम बोल सकते कि 12-13 साल पहले भी हो गई ना। आम आदमी पार्टी का आंदोलन क्या था? उसके आम आदमी पार्टी तो बाद में बनी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला क्या था? जिस ढंग से ट्यूनीशिया या इजिप्ट में तख्ता पलटा गया, आपको याद होगा वो अरब स्प्रिंग उसको बोला गया। वो जो अरब स्प्रिंग के समय वहाँ एक अमेरिकन थिंक टैंक की कोई महिला थी, वो आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय में दिल्ली में स्थित थी, तो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया। लेकिन बात यह है कि इंडिया जो है इतना फैला हुआ देश है, एक कॉन्टिनेंट जैसा है, सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है इसको, तो यहाँ इतनी आसानी से चीजें नहीं होती। देखो आपको और एक बात बता दूं कि मक्का में या जिसको हम अरेबिया बोलते हैं, अरेबिया में इस्लाम का उदय हो गया। जो पैगंबर थे उनकी मौत के बाद सिर्फ 50 साल में आधा यूरोप खा लिया, आधा अफ्रीका खा लिया, हमारे यहाँ अफगानिस्तान ईरान कवर करके सीधे सिंध तक पहुंच गए थे इस्लामी आर्मी। फिर भी एक सिंध पूरा करने के लिए उनको 700 साल लग गए। क्यों लग गए? आप जो अभी बोल रहे हो वो उसी इतिहास में हम ढूंढ कर लेते थे। तो एक बात है कि यहाँ आदमी इंडिविजुअल है, यहाँ हर इंसान स्वतंत्र है। जमाना मुगलों का हो, शिवाजी महाराज का हो, मराठों का हो, या आप ब्रिटिशों का देख सकते हो, लेकिन इंसान स्वतंत्र रहा है, उसका धर्म स्वतंत्र रहा है। और इसलिए आपको एक संगठन हाथ में पकड़कर कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी एक उठकर खड़ा हो जाएगा वो पूरा का पूरा सीन बदल देगा। अब मुझे बोलिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला जब चल रहा था, कितना बड़ा पूरा मीडिया उसके पीछे लगा हुआ था, और उस समय कोई नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा था 2011 में। 2012 के दिसंबर तक आंदोलन खत्म हो गया, लोकपाल बिल भी प्रेशर में गवर्नमेंट ने मान लिया, आम आदमी पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली को जीत गई विधानसभा में, वहां की मुख्यमंत्री बुरी तरह से एक नए लड़के के सामने हार गई। उस वक्त जब ये हो रहा था, उस वक्त आपने प्रधानमंत्री के लिए देश में सत्ता परिवर्तन के लिए नरेंद्र मोदी, ये नाम तक आपने नहीं सुना था, तो कहां से आ गया नरेंद्र मोदी? ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ चल रहा था उसको आम जनता ने काउंटर किया, अचानक से एक साल बाद नरेंद्र मोदी मैदान में आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए 2013 में, और सिर्फ 10 महीने में देश का तख्ता पलट हो गया। जो पार्टी 10 साल से सत्ता चला रही थी, ठीक है उसका बहुमत नहीं था, लेकिन 206 एमपी थे उनके, उनसे सिर्फ 44 बच गए। बिल्कुल, तो ये किसने, मोदी ने किया? मैं बिल्कुल नहीं मानता, मोदी एक चेहरा बनकर उभरे, लेकिन ये जनमानस की ताकत थी। तो इस देश को अगर अखंड रखा गया है तो किसी पार्टी में नहीं, इस जनमानस की खुद की अपनी आइडियोलॉजी है, वो पूरे देश को एक मानता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उड़ीसा बंगाल असम से लेकर गुजरात तक जो समाज है वो बिखरा हुआ लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया क्लियर है, उसको मैं आइडिया ऑफ इंडिया बोलता हूँ। नेहरू ने लिखा है या बोला है वो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। हजारों साल से इस देश के जहन में एक आइडिया ऑफ इंडिया है, और इसलिए ये सब कोशिश करे पलट, ये नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये छोटे मोटे देश है, मालदीव देश, हम अलग है, हम पूरा देश फैला हुआ है,
और इसमें एक देखो, मुंबई में जब ये अजमल कसाब का टोला आया था, लोगों को मारा था, बंदूक लेकर बड़े बड़े पुलिस अफसर छुपकर नेम लगाने की कोशिश कर रहे थे, निशाना लगाने की, लेकिन जिसके हाथ में लाठी थी, सिर्फ लाठी थी, वो जाकर अजमल कसाब से झपट गया। पूरी उसने चलाई, वो गोली पेट में ले ली, लेकिन एक तुकाराम ओमले नाम का एक भारतीय था, उसने सारा बदल करके दिखाया। सही। तो एक इंसान पूरा होता है, और ऐसे हमारे भारतीय जिसको हम मानते हैं वो ऐसे है। भाऊ, जिस राहुल गांधी में गुब्बारे की तरह हवा भरी जा रही है मीडिया के इकोसिस्टम के द्वारा, वो राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधों पर सवार होती है, केवल 32 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो जाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 53 सीटों पर चुनाव लड़ती है, झारखंड में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधे पर सवार हो जाती है, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों यानी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कंधे पर सवार हो जाती है, ले देकर के दिल्ली और हरियाणा बचते हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर दिल्ली में क्या हालत है उसकी, अब किसी से दबा छिपा नहीं है, ये तीसरा चुनाव था लोकसभा का जहां उसका खाता तक नहीं खुला, आम आदमी पार्टी का भी जो हश्र है वो सब जानते हैं, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी निरंतरता में 2 बार से सत्ता में है, तीसरी बार का निरंतरता में किसी की सरकार बनने का इतिहास ना होते हुए भी लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें दोनों के बीच बटी हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी वहां भी कमजोर नहीं है। तो ऐसी कांग्रेस में गुब्बारे की तरह हवा भरना और कांग्रेस का मजबूर होना, क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होना, क्या ये साबित नहीं करता है कि कांग्रेस को उसकी औकात से ज्यादा बताने की और परिभाषित करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लगता है, देखो, इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये करने से माहौल बन जाएगा, लेकिन ऐसा माहौल बनता नहीं है। मैं एक बात, परसों मेरा एक प्रोग्राम था पुणे में, तो पुणे में मैंने यही बात बोल दिया, यानी बीजेपी के लोगों का एक सेमिनार था, उसमें मुझे बुलाया था, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, उस पर मैं बोल रहा था, तो मैंने उनको एक बात बोल दी कि फेक नैरेटिव से बीजेपी हारी नहीं है। फेक नैरेटिव जो बोला जाता है कि फेक नैरेटिव के कारण बीजेपी हारी है, तो मैंने बोला कि बीजेपी हारी ये फेक नैरेटिव है, बीजेपी हारी नहीं है। मैं इसको डकवर्थ लुईस बोलता हूं। डकवर्थ लुईस जानते हो आप? वो जो 2020 वगैरह या 50 ओवर्स लिमिटेड ओवर्स मैच होती है, बारिश की वजह से बारिश हो जाए तो ओवर्स घटाए जाते हैं, और उस ओवर्स में बचे हुए ओवर्स में कितना रन निकालना ये हर समय बदलता रहता है, बारिश बार बार हुई तो वो तरीका गलत होता है, वो खेलने वाले नालायक नहीं होते फिर भी हार जाते। एक मुझे इतना समझ में नहीं आता था क्रिकेट, लेकिन एक मैच में देख रहा था, उसकी कॉमेंट्री देख रहा था, तो गावस्कर ने बहुत बढ़िया बोल दिया, क्योंकि अब बारिश हो गई तो बैटिंग करने वाले का तो गुनाह नहीं है, उसने 50 ओवर्स के हिसाब से खेलना शुरू कर दिया है, और आप बीच बीच में अगर घटा दे जाओगे तो क्या करेंगे। और उस वक्त ये हो गया था कि अभी एक बॉल डालना है और 36 रन निकालने, वो बोला वो भी बॉल क्यों डाल रहे हो, डिक्लेयर कर दो साउथ अफ्रीका हार गया। तो ये डकवर्थ लुईस है। कैसा डकवर्थ लुईस है? डकवर्थ लुईस कैसा है? तो देखिए, मैंने उनसे पूछा, सामने वाले तो बीजेपी वाले ही बैठे थे, कंफ्यूज थे। मैंने पूछा उनको, 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, और सीटें मिली थी कितनी? सीटें मिली थी 282। यस, 282। अब 2019 में आपको 38% वोट मिलते, सीटें मिली 303। अब 2024 में आपका पिछले चुनाव से 1% वोट कम हो गया, 37% आपको मिल गया। तो 37 में आप 240 पर आ गए, और 31% में आप 282 थे। जी हाँ, आपके वोट घटे नहीं है,
लेकिन माहौल ऐसा बना बनाया गया कि आप हार गए, आप कंफ्यूज हो गए। देखो 2009 में कांग्रेस को जितने वोट मिले थे और जितनी सीटें मिली थी उसकी तुलना में 2014 में कांग्रेस के वोट कितने घटे वो देखो, आपका 1% वोट घटा है, उनके कम से कम 7-8% घटे थे और उसके कारण उनकी 160 के आसपास सीटें कम हो गई थी, आपका 1% घटा है और 60 सीटें घटी है। लेकिन आपकी ताकत पूरी है आपकी, और इसलिए मैंने और आसान करने के लिए उनको एक उदाहरण बता दिया कि हम पीढ़ियों से बच्चे होकर बूढ़े होकर चले गए, हमारे माँ बाप बूढ़े होकर चले गए, यह सदियों से एक कहानी हमें बताई जाती कि मटके में पानी कम था तो कौवा बोला ये पीऊंगा कैसे, तो कहीं कहीं से पत्थर उठाकर लाकर मटके में डाल देता है और पानी ऊपर आ जाता है। कांग्रेस जीती हमको दिखाई दे रहा आंकड़ों में सीटों में, तो उन्होंने मटके में पत्थर डाल दिए इसलिए पानी की लेवल ऊपर आ गई, पानी बढ़ा नहीं है, पानी बढ़ा नहीं है। तो इसी ढंग से बीजेपी का अगर 1% वोट कम हुआ है तो सामने वाले वालों ने सब ये छोटे मोटे हम बोल सकते हैं कि ये पत्थर है, उबाठा शिवसेना अखिलेश यादव ये पत्थर मटके में डाल दिए तो कांग्रेस 99 तक चढ़ी हुई आपको दिखाई दे। बिल्कुल ये हमें समझना जरूरी तो है, लॉजिक होता है। लेकिन और एक बात समझा, और एक बात, अगर सामने लड़ने वाला कंफ्यूज होता है तो उसको परास्त करना आसान हो जाता है। पुरानी कंसेप्ट ऑफ वॉर ये किताब है, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर मलिक ने लिखी हुई, उसमें वो बोलता है कि सामने वाले की जमीन कब्जा करना, सामने वाले की संपत्ति लूटना और औरतों पर बलात्कार करना या मुंडी छाटना ये जिहाद नहीं है। हाँ ये जिहाद के लिए ये करना पड़ता है, लेकिन असली जिहाद वो होता है, जिहाद में आपकी असली जीत तब होती है जब सामने वाला हारने से डर जाता है और लड़ाई करने से ही डर जाता है, उसके मन की लड़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, तब जिहाद जीत जाता है। यानी उसके मन पर आप हावी हो जाएं। हाँ बस बिल्कुल वो हुआ है। तो हम जब देख रहे हैं कि कांग्रेस हार चुके है, मन से कांग्रेस हार चुके है, इसलिए किसी के कंधे पर चढ़ेगी, किसके कमर पर चढ़कर बैठेगी, किसके गोदी में जाकर बैठ जाएगी, मेरी सीटें बढ़ा दो। तो इससे ताकत नहीं बनेगी, आपकी ताकत नहीं बनती। तो बीजेपी के पास ताकत है तो उस पर देखो, आपका वजन 50 किलो है लेकिन आप ढंग से ट्राई करें तो आप 70 किलो भी उठा सकते हो, लेकिन आपके मन में इच्छा होनी चाहिए तो आपके वजन से ज्यादा भी वजन आप उठा लेते हो। बिल्कुल वही बात है, कांग्रेस हार चुके कि हम नहीं जीत सकते, हमको किसी ना किसी के गोदी में बैठना है, अकेले लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची है, तो इसलिए हवा भरनी जरूरी है कि भाई ये देखो ये इतनी ताकत है, लेकिन ये गुब्बारा हवा निकल गई, गुब्बारा फट गया, खत्म। भाऊ ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, 2 में तो प्रक्रिया शुरू हो गई है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, 2 की घोषणा कभी भी हो जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र में बीच में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में गतिरोध था, और उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ली, वो चल नहीं पाई। इसके बाद फिर 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, तो थोड़ा सा डिले महाराष्ट्र का है, और झारखंड और महाराष्ट्र के और दिल्ली के भी हो सकता है कि तीनों के साथ ही हो जाएं, पर 5 राज्य जो ये चुनाव में जा रहे हैं, इनके नतीजे क्या देश की राजनीति को किसी रूप में प्रभावित करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक बात होती है, मैं हमेशा मानता हूं कि जब वोटिंग खत्म हो जाती है, मतगणना हो जाती है और नतीजे सामने आते हैं, तो जब नतीजे सरकार पार्टियां
अपोजिशन वगैरह वगैरह देखते हैं, हम जैसे विश्लेषक एनालिस्ट देखते हैं, हम अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन आम जनता भी मन ही मन में उसका आकलन करती है कि क्या मैंने सही वोट दिया था या भावना विवश होकर दिया था, क्या मैं गलती कर बैठा, क्या मैं सही जा रहा हूं, ये सोच रही है जनता। देखो बीजेपी उदासीन थी इसलिए वोटिंग परसेंटेज घट गया, बीजेपी का परसेंटेज एक से कम हो गया, लेकिन जिस उत्साह से 14 और 19 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था उसकी उदासीनता इस चुनाव में हमने देखी। और परिणाम, जब परिणाम सामने आता है, एक बढ़िया कहानी है हमारे मराठी में कि राजा फतवा निकाल देता है कि भाई अकाल हो रहा है, बारिश होनी चाहिए, तो भगवान का जो मंदिर होता है हमारे यहाँ, उसको बोलते हैं कि भगवान को पानी में डुबा दो तो वो बारिश लाता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो फतवा राजा निकालता है और बोलता है एक एक हंडा दूध हर एक कोई मंदिर में आके डाल देगा। तो अब उसमें से एक सोचता है कि अरे सब दूध डालने वाले, मैं पानी दूध डाल दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला। अब ये एक नहीं, दूसरा सोचता है, तीसरा सोचता है, और देखते देखते समय खत्म हो गया, देखते तो एक कतरा भी दूध का नहीं था। ये जो तरीका होता है ना, उसको मैं उदासीनता बोलता हूं, उसको मैं उदासीनता बोलता हूं। बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत से नहीं उतरी, कार्यकर्ताओं का अनदेखी की गई, उसका परिणाम वो भुगत रहे। अब उसका परिणाम अगर सामने को फायदा मिला तो मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन ये असलियत नहीं है। देखो वनडे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें हम फाइनल मैच में हार गए, गाफिल थे, बेफिक्र थे, लेकिन वही टीम 2020 में वर्ल्ड चैंपियन हो गई, टीम तो वही थी ना, टीम वही थी। तो इसलिए जो कुछ आम जनता उस पर सोच रही है कि हमने गलती कर दी। और एक उदाहरण देता हूं आपको, 2012 में अकेले के दम पर समाजवादी पार्टी में यूपी में बहुमत हासिल किया था, कुछ 403 में 212 वगैरह सीटें जीत ली, 225 के आसपास, जी हाँ 225 के आसपास। अब देखिए वो पहला विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है जब 68 मुस्लिम एमएलए बने थे, तो उससे वोटर भी शॉक हो गया था। और आपको याद होगा तो उस वक्त बीजेपी 3 नंबर पर, 2012 में 1 नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, 2 नंबर पर मायावती की पार्टी थी, शायद 90 सीटें उन्होंने जीत ली थी, और बीजेपी कुछ 48 वगैरह थी, तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2 साल बाद विधान लोकसभा का चुनाव हो गया तो बीजेपी ने 80 में से 72 सीटें जीत ली थी जी हाँ, और 80 के 80 में एक भी मुस्लिम एमपी चुनकर नहीं आया था। तो वो जो शॉक था, अरे 68 मुस्लिम विधायक, ये जो शॉक था चुनाव के नतीजे आने के बाद, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में 2 साल के बाद दिखाई दिया, ये हमें समझना जरूरी होता है। तो यानी कि ये क्यों हुआ, बीजेपी ने एंटी मुस्लिम का प्रचार नहीं किया था, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, लोग भी मानते, लेकिन परिणाम कहाँ दिखा और किस लिए दिखाई दिया कि वो जो 68 लोग आए थे, अब मुंबई में देखो, महाराष्ट्र में देखो, अब इकोसिस्टम की सेक्युलर लिबरल मीडिया भी चर्चा करने लगी कि अब उद्धव सिर्फ मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, उसका कोर वोटर हाथ से निकल गया, ये चर्चा आहिस्ते आहिस्ते मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगी है। इसलिए हिंदुत्व का झंडा फहराने वाले बालासाहेब का बेटा आज वक्फ बोर्ड के समर्थन में सामने आ गया, तो ये सच्चाई आती है, ये सच्चाई। तो ये अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो हर जगह इसकी घुसलन शुरू हो गई होगी, जरूर उसकी रिएक्शन आ जाएगी, और ये आगे चलकर मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र में इसकी बहुत बड़ी रिएक्शन आने वाली है, क्योंकि जिस ढंग से मुस्लिमों का मोर्चा चला गया मातोश्री पर और उद्धव को गद्दार बोला गया, क्योंकि हमने तुमको वोट दिया है और तुम वक्त के खिलाफ बोल रहे हो, तो उसको अपनी साइड बदलनी पड़ी, अपना पक्ष बदलना पड़ा। तो जो चुनाव इन 3 राज्यों में होने वाले हैं, 4-5 राज्यों में, उसका बटन
बड़ा प्रभाव आने वाले 2-3 साल के राजनीति पर बिल्कुल होने वाला है। भाव, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपने वक्तव्य में। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा बहुत ढीली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में और कुछ रणनीतिक गलतियां उसने की हैं। आपने कव्वे का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि इंडी अलायंस के घटक दल तो इकट्ठा करने और सबको एकजुट दिखाने में लगे हुए थे, पर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में मारी गई और कुछ दूसरी ढील भी थी। पर कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी ये ढील हमें दिखाई दी और ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, मतदाता भी अपने आप में करेक्शन करते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई दे रहे। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ लोग यानी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा नतीजा क्यों आया। आम लोगों में हम मिलते हैं, घूमते हैं, तो लोग आश्चर्यचकित है कि ये कैसा हो गया। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 18 या 17 और 31 इस ढंग से जो बंटवारा हो गया जीते हुए सीट का, उससे आम जनता प्रभावित है, विचलित है कि ये तो हमने नहीं चाहता। और अब देखिए उसका परिणाम आपस में कैसा होने लगा है कि कांग्रेस जानती है कि मुंबई में अगर हमारा सपोर्ट नहीं होता और हमारे कारण मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं होता तो उद्धव ठाकरे 3 सीटें नहीं जीत पाते, और इसलिए विधानसभा चुनाव में जो 36 सीटें मुंबई की है उसमें मेजॉरिटी सीट कम से कम 20 सीट कांग्रेस को मिलनी ही चाहिए। ये कांग्रेस कितनी बदल गई देखो, जो 4-3 पर लोकसभा का बंटवारा हो गया, यानी 4-6 में से 4 शिवसेना लड़ी थी, आज वो बोलते नहीं मेजॉरिटी सीट कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है उद्धव के पास अब वोटर नहीं बचा है। क्योंकि आंकड़े अगर समझे हम तो शिवसेना का कोर वोटर 16-20% यानी एवरेज 18% था, उसमें से 13-13% एकनाथ शिंदे के पास चले गए, तो उद्धव के पास शिवसेना का कोर वोटर बचा ही नहीं है, 4.5% बचा है। तो अगर कांग्रेस विधानसभा में अगर उद्धव के साथ नहीं रहती तो उद्धव को 2 या 3 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाए। आदित्य ठाकरे की सीट है, सिर्फ 6,000 का मताधिक्य है, लीड है उनको, जिसको गढ़ माना जाता है शिवसेना का, शिवड़ी, वहां सिर्फ लोकसभा में 20,000 का लीड है। तो ये फर्क हम अगर समझे तो हो सकता है। और जो कुछ हो गया उससे अचंभित अगर जनता है तो वो किस ढंग से अगले चुनाव में वोटिंग करेगी ये आप समझ लो। और एक बात समझना जरूरी है, महाराष्ट्र का चुनाव आगे ढकेल दिया गया है तो इसका कारण उन्होंने जो त्योहार होते हैं, गणपति हो, दशहरा हो, या क्या बोलते हैं उसको, दिवाली हो, वो पूरा होने के बाद वोटिंग होगा, यानी छुट्टी पर वोटर जाए नहीं, ये स्ट्रेटेजी है, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव लंबित किया गया। भाव, एक सवाल मैं चलते चलते आपसे और पूछूं। मैं जब प्रोग्राम में बैठने वाला था, आपसे बात करने वाला था, तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, तब मैं भाव से बात करूं, तो मेरी एक नज़र पड़ी खबर पर कि मातोश्री में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है और शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो है वो खंडित हो गया है, इसलिए इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मुद्दों का अकाल है क्या इनके पास, तीनों पार्टियों के पास? स्टैचू खंडित हो जाता है, बदलापुर में यौन हिंसा को ये मुद्दा बना रहे हैं, रामगिरी महाराज के बयान को लेकर के ये लोग गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा बार बार गरमाते हैं, क्या वाकई मुद्दे ख़त्म हो गए हैं या ये इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं? नहीं, डूबते को तिनके का सहारा बोलते वैसी बात है। ये जो लाडली बहन का जो प्रभाव दिखाई दिया तो उन्होंने वो
बलात्कार से जोड़ के, राज ठाकरे ने उस पर बढ़िया बोल दिया उस दिन। राज ठाकरे ने पत्रकारों से सीधी लड़ाई छेड़ दी। वो बोले 2020 में लॉकडाउन था शायद, है ना जी, जो ठाकरे मुख्यमंत्री थे ना, तो उसने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो होता है उसके आंकड़े पेश किए। लॉकडाउन था 2020 में, फिर भी 4,500 बलात्कार महाराष्ट्र में हो गए। तो ये जब चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने क्या एक्शन ली थी, तब रास्ते पर क्यों नहीं आए थे, कितने पुलिस लोग पुलिस को इन्होंने बर्खास्त किया था। 2021 में यही चीफ मिनिस्टर थे, 5,500 बलात्कार हुए महाराष्ट्र में, तो उस वक्त इसकी ब्रेक लाइन आप पत्रकारों ने क्यों नहीं की, ये राज ठाकरे ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछा। तो आज आप सब कर रहे हो क्यों, चुनाव है इसलिए कर रहे हो, पत्रकारों को नंगा कर दिया उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने। तो ये बात है, ये तिनका मिले तो भी डूबने से बचाया गया सब मान रहे, तो वहां भला अभी देखो। और राज ठाकरे को मैं क्यों मानता हूं, अगर वो क्रेडिट लेना चाहते थे तो वो बदलापुर मामले में क्रेडिट ले सकते थे, ओपनली ले सकते थे, क्योंकि बदलापुर का मामला जो सामने आ गया दुनिया के सामने, उस पर FIR दर्ज की गई, तो वो FIR दर्ज करने वाली महिला राज ठाकरे के पार्टी के महिला व मोर्चा की है, और जब उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो ये बाकी वो लोग दौड़ कर आ गए। अब ये जो चिल्ला रहे शिवाजी महाराज का अपमान, महाराष्ट्र का अपमान, तो जब कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और शिवाजी महाराज का स्टैच्यू हटाया गया, तब ये क्या कर रहे थे, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, तब पटोले क्या कर रहे थे, शरद पवार क्या कर रहे थे, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे, भाऊ वीर सावरकर, आम जनता जानती है क्या नौटंकी है। वीर सावरकर के बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणियां नहीं की हैं राहुल गांधी ने, तब सोए हुए थे क्या ये सारे? नहीं, वो तो होता है, देखो अपोजिशन है वो अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेगा, उनको उन पर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं, आम जनता जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखो बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, लेकिन दुनिया की आंखें खुली होती है ना, लेकिन बिल्ली को लगता है मैंने आंखें बंद कर ली, दुनिया की आंखें बंद हो गई है, तो आराम से चोरी कर सकती हो। तो इस ढंग से ये लोग चल रहे, उसका फायदा उनको होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर है तो लोग अचंभित है लोकसभा का नतीजा देखकर, वो चुपचाप बैठने वाले नहीं है। और ये जितना यहां सच है उतना ही यूपी में सच है, उतना ही हरियाणा में भी सच है। जो कुछ बांग्लादेश में हो गया हसीना वाजिद को हटाने के बाद, वो देखकर यहाँ के हिंदू बहुत विचलित हो गए, ये समझ लो आप। आप सब हिंदी मीडिया वाले हो, नेशनल मीडिया वाले हो, आपको एक पता नहीं है, हिंदू जागरण मंच बंगाल में सिलीगुड़ी में मोर्चा किसने निकाला? हिंदू जागरण मंच बीजेपी वालों ने नहीं निकाला। बांग्लादेश में जो घटना हुई उसके बाद मोर्चा निकला तो बंगाल, वेस्ट बंगाल में निकला है, और मेरा ख्याल है आजकल जो बंद था उसके बाद कोलकाता में क्या एकदम जनता कर्फ्यू हो गया, जनता कर्फ्यू हो गया, गाड़ियां चल रही है, गाड़ियां खाली है, ऑफिस खुले, ऑफिस में कोई पहुंचा नहीं, दुकानदारों ने अपने अपने दुकान बंद रखे हैं। तो उसमें ममता कोलकाता में होने वाला सिंगूर या नंदीग्राम समझ नहीं रही है ना, उनके महाराष्ट्र में बैठे या दिल्ली में बैठे साथी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप छुपाओगे इसलिए बात छुपेगी नहीं, सूरज के ढकने से बादल ने ढका इसलिए सूरज ढकता नहीं, वो तो तपता ही रहता है, और बादल हट गए तो सामने आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका OCN नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।